नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की जो मेरी कविता है उसका शीर्षक है गौ माता। इसको लिखा है पीयूष मिश्रा जी ने, जो कि उनकी किताब है तुम मेरी जान हो रजिया भी से। एक बहुत ही अच्छी किताब है, मैं आप एक बार जरूर पढ़ें। तो आइए कविता शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गोधुली की बेला में एक बछड़ा बोला माँ से, गोधुली की बेला में एक बछड़ा बोला माँ से, सांझ से मुझको डर लगता तू जाना नहीं यहां से। इस जंगल में फिरते हैं खूंखार भेड़िए ऐसे, इस जंगल में फिरते हैं खूंखार भेड़िए ऐसे, मुझे अकेला पाकर आ जाएंगे यहां वहां से। या राजा इनका आएगा इंसान नाम है जिसका, या राजा इनका आएगा इंसान नाम है जिसका, बंदूक की गोली मारेगा वो मेरे ऊपर ठांसे, फिर खाल मेरी वो छीलेगा और मांस मेरा काटेगा, फिर खाल मेरी वो छीलेगा और मांस मेरे काटेगा, मैं बदशकली मर टुकुर टुकुर देखूंगा दूर जहां से। फिर लटकाएगा मुझको वो एक झंडे के नेजे में, फिर लटकाएगा मुझको वो एक झंडे के नेजे में, और भीड़ सामने टूट पड़ेगी जाने कहां कहां से। फिर दंगे होंगे गांव देश में मां बिलखेगी घर पे, फिर दंगे होंगे गांव देश में मां बिलखेगी घर पे, मैं क्या बतलाऊं क्या होगा जो होगा दूर बयां से। तू पूती राख और भरी आंख और तपी सांस को लेके, तू पूती राख और भरी आंख और तपी सांस को लेके, मेरे बछड़ों का दो हिसाब ये कहना तुम हिंदुस्तान से। तू पूती राख और भरी आंख और तपी सांस को लेके, मेरे बछड़ों का दो हिसाब ये कहना तुम हिंदुस्तान से। गोधुली की बेला में एक बछड़ा बोला माँ से कि सांझ से मुझको डर लगता है तू जाना नहीं यहां से। तो ये थी एक छोटी सी कविता गौ माता। आशा करता हूँ दोस्तों आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। शुक्रिया, धन्यवाद।